हमने एक मेमोरेंडम सबमिट किया था, सिर्फ हमने नहीं बड़ाकबरी के जितने भी कॉलेजेस हैं सब कॉलेजेस मिलके एक मेमोरेंडम सबमिट किया था आसाम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सर के पास, लेकिन अभी तक कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया। जब हमने मेमोरेंडम सबमिट किया था इसके दो दिन बाद इन्होंने रूटीन पब्लिश किया था, ऐसा रूटीन पब्लिश किया था जिस डेट पे हैलागंदी पे नॉमिनेशन का टाइम है उस डेट पे एग्जाम चल रहा है हमारा, जिस टाइम पे वोट देना चाहिए उस टाइम पे हम एग्जाम देंगे। अगर एग्जाम के टाइम जब नॉमिनेशन का डेट है तब सारे गाड़ियाँ बुक कर लिया जाएंगे। अगर सिलचर से कोई स्टूडेंट यहाँ पे आके एग्जाम देने पे कोई भी दिक्कत होता है, अगर नहीं आ पाता यहाँ पर, अगर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी असम यूनिवर्सिटी में लेंगे, अगर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस प्रशासन लेंगे तो हम यहाँ से उठ जाएंगे। जो रूटीन पब्लिश किया गया था वो रूटीन एग्जाम के 12 दिन पहले पब्लिश किया गया था। आप हमें बताइए ऐसा कोई यूनिवर्सिटी है 12 दिन पहले रूटीन पब्लिश करता है इसके बाद एग्जाम लेता है? असम यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके लिए ऑनलाइन एग्जाम, असम यूनिवर्सिटी के अंदर में जो कॉलेजेस है उनके लिए ऑफलाइन एग्जाम, ये कैसे होगा? क्यों असम यूनिवर्सिटी एक तरह का स्टूडेंट को दो तरीके से देख रहा है, उनके लिए ऑनलाइन एग्जाम हमारे लिए ऑफलाइन एग्जाम? हमने कुछ दिन पहले एक न्यूज देखा था गुवाहाटी में 2-3 कॉलेजेस को सील कर दिया गया क्योंकि कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ। ये चीज मैं असम यूनिवर्सिटी को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर भी सिलचर से स्टूडेंट आगे पढ़ते है, अगर एक भी स्टूडेंट को कुछ हो गया तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी असम यूनिवर्सिटी को लेना पड़ेगा। हमारा डिमांड है जो रूटीन पब्लिश किया गया है वो रूटीन को चेंज किया जाए, जो ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम है वो उसका सुविधा हमको दिया जाए, जिस तरह असम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट को इस सुविधा दिया जा रहा है वही सुविधा हमें भी दिया जाए, क्योंकि हम भी स्टूडेंट है, हम यहाँ पे सुबह से बैठे हैं, जो प्रशासन आके हमको बोल रहा है कि आप उठ जाइए, रूल्स वगैरह आप ब्रेक करेंगे तो अरेस्ट के लिए जाएंगे। हम ये बता देना चाहते हैं हम यहाँ पर अरेस्ट होने के लिए आए हैं, 2 दिन बाद हमारा फ्यूचर खत्म होगा, इससे बेहतर आज हो जाए, हम रेडी है, आप टीयर गैस छोड़िए, आप गोली चलाइए, आप कानून जितना भी कानून दिखाइए, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है, हम अपना डिमांड फुल विल करके यहाँ पे हटिया से हटेंगे। असम यूनिवर्सिटी में आज मीटिंग चल रहा है, अगर मीटिंग हमारी हमने जो डिमांड दिया है वो डिमांड के अंदर नहीं आता, अगर हमारा डिमांड फुलफिल नहीं होता तो हम यहाँ से आज उठ जाएंगे ये जरूर, लेकिन कल से हम इतना लंबा अनशन करेंगे जब तक हम मर ना जाएं।